हाय फ्रेंड, जे एस स्पोर्ट्स क्लब में आपको स्वागत है। मैं कुछ जोर से आज जो है मैं कुछ जो है जैवलिन थ्रोवर्स के लिए जो है जंपिंग एक्सरसाइज बताऊंगा। जो बच्चे रनवे सही नहीं है, जिनकी अटैकिंग पोजीशन सही नहीं बनती या जिनका जो है रनवे ठीक नहीं हो रहा, स्पीड नहीं है, ये सारी चीज़ें ये पैरों में जो है इंजरी आ जाती है और जो है हमारा जो अटैक है वो सही नहीं है, तो उन सब बच्चों के लिए एक्सरसाइज बताऊँगा जो बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ अगर आप जो है जैवलिन थ्रो करते हैं या जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा और आपकी जो है स्पीड भी आएगी आपके अंदर और आपकी अटैकिंग पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी मेन एक्सरसाइज है, आपको जंपिंग करनी है, कुछ जंपिंग है जो बहुत ही ज़रूरी है। इन जंपिंग के साथ आपको जो है अपना जो है प्रैक्टिस करनी है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो कुछ जंप बता रहा हूँ इन बच्चों के माध्यम से और आपको जो है उन्हें फॉलो करना है तो आपका रन भी सही होगा, आपकी अटैकिंग पोजीशन जो वो भी ठीक होगी, आप अच्छी स्पीड में आएंगे, अच्छी थ्रो लगाएंगे। आप देखें बच्चे कैसे करेंगे। पहले जो जंप लगाएंगे किसी भी मिट्टी के मैदान में, हम जो है पहले जो है जंपिंग की एक्सरसाइज करेंगे। बर्फ पर अभी जो है ये जंपिंग होगी, हमें जो है जहाँ भी हम अपना जो है लॉन्ग जंप हाई जंप का जो हमारा रहता है मिट्टी का ग्राउंड, उसमें जो है हमें जो है ये जो है पैर जोड़कर जो है हमें ये जंप करनी है। उसके बाद आती है सिंगल लेग जंप, वो भी हमें जो मिट्टी के अंदर ही करनी है। चलो इसमें जो ऊपर से जंप लेनी है हमें, ऊपर को ये नहीं है कि हम जो है खाली भाग रहे हैं, ऐसे नहीं, ऊपर तरफ जंप लेनी ताकि मिट्टी के अंदर हमारा पैर फंसेगा। तो जब हम जो है खाली मिट्टी के में जो जहाँ मिट्टी है और रनवे के ऊपर दौड़ेंगे तो हमारा पैर जो है बहुत हल्का हल्का उठेगा और हल्के दौड़ेंगे, तो इसलिए जो है मिट्टी के ग्राउंड के अंदर हम जंप लगाएंगे। फिर इसके बाद आती हमारी जो है हम ब्रॉड जंप लगाएंगे, स्टैंडिंग जंप जो होती है। चलो ब्रॉड जंप लगाओ, ये हम जो है ब्रॉड जंप लगाएंगे। इसमें भी जो है हम जो है 20 से 25 ब्रॉड जंप लगाएंगे जो है कंटिन्यू इस तरीके से। और फिर इसके बाद आती है हमारी, इसके बाद आ गए डबल जंप लगाएंगे। और लगाओ, हम दो बार जंप लेंगे अब इसी में ही, ग्राउंड हमारा मिट्टी का ही रहेगा इसमें। ये हम जो है इसमें जो है अपनी मैक्सिमम पावर का यूज़ करेंगे, ऐसे नहीं कि हम हल्की हल्की जंप लगा रहे हैं, अच्छी जंप लगानी है हमें। अब हमें जो है मैक्सिमम पावर लगानी है जंप के अंदर। अब इसी में जो है हम जो है ट्रिपल जंप लगाने शुरू कर देंगे, तीन जंप के साथ। चलो ये सब हमें जो है इसके 20 से 25 जो है एक एक जो है हमें 20 से 25 जंप लगानी है, 20 से 25 जंप, ब्रॉड जंप, डबल जंप, ट्रिपल जंप, 20 20 25 25 आपको लगानी है और सप्ताह में 3 दिन करनी है। ऐसा नहीं कि आप रेगुलर रोजाना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको एक दिन रखना होगा, एक दिन का आपको जो है थ्रो वगैरह जो भी रहता है वो रखना होगा। फिर से लगाओ, एक और लगाओ जरा, ये लगानी। फिर हमारा नेक्स्ट आता है हमारा, हम अब हम कहें नी बॉन्डिंग के साथ लगाएंगे, नी बॉन्डिंग के साथ। आओ भी आ जाओ, यहाँ आ जाओ कैमरा। और हम जो है नी बॉन्डिंग के साथ जंप लगाएंगे, तो इससे क्या है, जब हम क्रॉस फिट लगाते हैं उसमें बड़ी हेल्प मिलती है और अच्छी हमारे रनवे होता है, हमारे पैर नहीं फंसते आपस में। चलो चलो ये हम जो है नी बॉन्डिंग के साथ यहाँ साइड में, ये इसमें जो है बच्चे जो नए हैं उनसे जो है आता नहीं, लेकिन आपको कोशिश करनी है, आपको देख करके ये सीखना है कि आप हमें जो है एक पैर पे जंप लेते हुए हमें आना होता है। चलो ऐसे मैक्सिमम जंप का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, ये चलो, ये गुड, वेरी गुड। तो ये हमारा जो है, अब हम जो है होपिंग के साथ जंप करेंगे, डबल जंप लेंगे हम, डबल जंप के साथ आएंगे। चलो एक पैर पे डबल जंप वाली, ये हम डबल पैर एक साथ डबल पैर जंप लेंगे ऐसे, ये जंप,
इनसे क्या होता है कि इनसे जो है हमारा रन भी अच्छा होगा और हमारी जो अटैकिंग पोजीशन है वो अच्छी हो जाएगी। तो आपको ये सारी एक्सरसाइज करो। और जाओ अब इसी पे जो है हम जो है अपना जो है क्रॉस रन भी जो है पूरा करेंगे। अब क्रॉस रन भी जाकर अपनी वही पोजीशन और इसी में ही हम जो है अपनी अटैकिंग पोजीशन फांसने की कोशिश करेंगे, जिससे जो है ये मट्टी होगी ना, हमें चोट लगने की डर है ना किसी चीज़ का। तो हम क्रॉस रनवे के साथ में जो है इसी में ही मट्टी के अंदर ही हम जो है अटैकिंग पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी देखने वाली बात है कि हमें फिर उस पर हमने रनवे लेना है जो हमारा क्रॉस रनवे है, उसके साथ दौड़ के आना हमें और अपना अटैक फांसने की कोशिश करनी है मिट्टी के अंदर जंप के साथ। चलो ये हमें जो है अपनी अटैकिंग पोजीशन के अंदर आना है और चलो ठीक है, हाथ ऊपर रखो भाई, हाथ ना बैंड हो, ये पीछे, ये इस तरीके से हमें जो है अपना रन अपना हमारा रन में जो हमारी अटैकिंग पोजीशन है वो हमारी जो है फिट हो जाएगी। चलो मेरे को लगाओ तो ये हमारा जो है आज का जो है हमारा ये वर्कआउट प्लान था। जो बच्चे ये कहते हैं कि हमारा जो है रनवे सही नहीं होता या हमारा रनवे फ्लो अच्छा नहीं है या हमारा हमसे रनवे नहीं आता और जिनके अंदर स्पीड नहीं है या बार बार पैरों में इंजरी हो जाती है या फिर ये कह लो कि दर्द हो जाता है और उसके बाद अटैकिंग अच्छी नहीं, अटैकिंग पोजिशन में नहीं आया जाता रनवे के बाद में, उन सब चीज़ों के लिए ये एक्सरसाइज करें आप, तो आपका जो है आपके पैरों में स्ट्रेंथ भी आएगी, पावर आएगी, लचक लचक के साथ पावर आएगी, तो आप जो है आसानी से जो है अपनी जो टेक्निक बना पाएंगे। धन्यवाद।